वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ लिमिट्स। आज हम उसका लिमिट्स का इंडिटरमिनेंट फॉर्म का टाइप 5 पढ़ेंगे, विच इज द लास्ट। अब तक हमने कौन सा टाइप पढ़ा? टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ये हमारा लास्ट है, जो है 1:∞, ∞:0 एंड 0:0। ओके, पहले पहले हमने कौन से टाइप पढ़े, मैं आपको याद करा दूँ। 0:0, ∞:∞। फिर पढ़ा हमने कौन सा, 0:∞ पढ़ा, फिर ∞-∞ पढ़ा, राइट। ये 1, 2, 3 एंड 4, और ये फिफ्थ वाला जो है वो वाले, राइट। ओके, ये सब हमने हमने पढ़े। अब आज हम ये वाला फंक्शन, हमें दिया होगा f(x) रेस टू जी ऑफ एक्स, ऐसा कोई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स। अगर उसको हम कोई एल वेरिएबल मान ले तो क्या होगा, यहाँ पे हमको दोनों साइड लॉग लगाना है। सो लॉग, यहाँ पे अगर हम एक मिनट, यहाँ पे लॉग एल ले लेते हैं, राइट। लॉग एल, तो लॉग में क्या होता है, जो पावर जो होती है वो क्या होती है, आगे आती है। तो जी ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स। ओके, अभी ये जो आया हमारा जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। ओके, उसको क्या होगा, ये क्या होगा, 0:∞ वाला फॉर्म आएगा। ये जो भी आएगा उसको, उसका 0:∞ फॉर्म आएगा। ये जो फॉर्म आएगा उसको हमको क्या करना है, जो हमने फिर टाइप 3, जो ये हमने हमारा क्या था, टाइप 3 वाला था, राइट। तो टाइप 3 वाला जो फॉर्म था उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, एफ ऑफ एक्स अपॉन 1/g(x) से सॉल्व करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे आपको लॉग एफ ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज रखना है, और 1/g(x) आपको करना है। तो क्या होगा उसको, फिर ये कौन सा फॉर्म आएगा, 0/0 आएगा, या तो फिर ∞-∞ फॉर्म आएगा, राइट। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, सो फिर से एक बार रिवर्स करें, तो इसको हम एल मान लेंगे। एल मानेंगे, उसके बाद हम उसको दोनों साइड हम लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग अप्लाई करेंगे उसके बाद 0:∞ वाला फॉर्म आएगा। 0:∞ वाला फॉर्म, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0:∞ वाला फॉर्म आएगा। उसको फिर हम टाइप, ये वाला हमारा कौन सा टाइप था, टाइप 3, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, डिनोमिनेटर में ले जाके सॉल्व करते थे। तो डिनोमिनेटर में उसको ले जाएंगे, और फिर ये वाला जो फॉर्म आएगा वो कौन सा फॉर्म आएगा, 0/0 या ∞-∞ फॉर्म आएगा। और उसको फिर हम कैसे सॉल्व करते थे, एल हॉस्पिटल सॉल्व करते थे, राइट। चलो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हम चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है हमारा। तो 1/1:0 प्लस 2:0 प्लस 3:0, तो ये क्या हो गया, 1:0, तो 1 1 प्लस 1 प्लस, तो 3 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3, तो इट्स इक्वल टू 1 एंड 1/1/0, सो 1/0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो दिस आर 1:∞ फॉर्म। सो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, इसी को, ये पूरे क्वेश्चन को मैं एल मान लेती हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1:x प्लस 2:x प्लस 3:x अपॉन 3 पावर में 1/x। अभी हम दोनों साइड लॉग लगा लेंगे। लॉग एल विच इज इक्वल्स टू 1/x, इसको लिमिट के अंदर रखेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये जो पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो इस लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/x लॉग 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x अपॉन 3। ओके, अभी हम चेक करेंगे फिर से। तो अगर मैं यहाँ पे 1/0, तो 1/0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, एंड दिस इज लॉग 1, 1:0 प्लस 2:0 प्लस 3:0, सो 3/3 दैट इज 1, तो लॉग 1 दैट इज 0। तो हमारा कौन सा फॉर्म आया, ये 0:∞:0 फॉर्म आया, या 0:∞ फॉर्म आया, राइट। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाइंग, सॉरी, इसको पहले हम क्या करेंगे,
डिनोमिनेटर में लेके आएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फिर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। 1 पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स अपॉन 3 अपॉन ये जो एक्स है वो अपॉन में आ जाएगा, ये वाला जो एक्स है वो अपॉन में आ जाएगा। ओके अभी हमारा क्या होगा, चेक करेंगे हम कि कौन सा है। ये तो क्या हो जाएगा log 1, ये पूरा जो है वो तो हमारा क्या है log 1। सो log 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 0, तो 0 बाय 0 को हम आया, तो किससे सॉल्व करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल से, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके तो उसमें क्या था, हमें डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये जो लॉग है उसका क्या होगा, आपको पता है कि log 1 बाय x है, log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाय dx ऑफ log 1 बाय x, तो क्या होता है उसका आंसर 1 अपॉन x। तो ये जो पूरा टर्म है वो 1 अपॉन में चला जाएगा। सो log 1 अपॉन x का 1 अपॉन 1 पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स अपॉन 3। सो ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और एक्स का क्या होगा यहाँ पे पूरा एक्स, तो इसका होगा 1। ओके इसका क्या होगा, हाँ 1। और फिर ये 1 पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स का भी होगा ना, कि ये एक्स नहीं है अकेला। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इन टू क्या होगा, 1 अपॉन x का ए पावर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, d बाय dx ऑफ ए पावर एक्स, दैट इज ए पावर एक्स लॉग ए, राइट। सॉरी जो हमारे फॉर्मूलाज, राइट। ओके तो 1 अपॉन x, 1 पावर x को क्या होगा, 1 पावर x log 1 प्लस 2 log 2 पावर x log 2 प्लस 3 पावर x log 3। ओके डन। ओके अभी क्या होगा, अपॉन 3 आएगा, या अपॉन 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ओके सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 ऊपर चला गया हमारा। सो 3 अपॉन 1 पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स इंटू 1 पावर एक्स log 1 प्लस 2 पावर एक्स log 2 प्लस 3 पावर एक्स log 3 अपॉन 3, राइट। ये जो था वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में था। यहाँ से सॉरी ओके तो ये जो था हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, ये कट हो जाएगा। ओके तो अभी हम अंदर लिमिट्स पुट करें, एक्स इक्वल्स टू 0, तो 1 रेस टू 0 प्लस 2 रेस टू 0, तो ये सब क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 रेस टू 0 प्लस 2 रेस टू 0, तो ये भी 1 1 1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 1 पावर 1 पावर 0 प्लस 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0, और यहाँ पे log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। log 1 हमें पता है कि क्या होता है, log 1 इज इक्वल्स टू log 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके सो 1 अपॉन 1 अपॉन 3 log 1 इज इक्वल्स टू 0, तो log 2 प्लस log 3 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। यहाँ पे log में अगर एडिशन हो तो उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो log 2 इंटू log 2 प्लस log 3 विच इज इक्वल्स टू log 6, 2 इंटू 3 दैट इज 6। अभी लॉग में क्या होता है, पावर जो है
जो आगे वो पावर में आ जाता है टर्म, सो लॉग एक्स मीन्स लॉग 6 पावर 1/3, और ये किसका आंसर है हमारा लॉग एल का, सो आर एल वुड बी 6 पावर 1/3। ओके दिस इज आर फाइनल आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी हम नेक्स्ट सम लेंगे। लेट्स टेक आर नेक्स्ट सम। आवर क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉट एक्स रेस टू साइन एक्स। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्म है। सो कॉट जीरो डेट इज इंफिनिटी राइट, और साइन जीरो डेट इज जीरो, सो हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, ये इंफिनिटी रेस टू जीरो वाला फॉर्म हुआ। सो लेट सॉल्व। इसको मैं कुछ एल मान लूंगी, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉट एक्स पावर साइन एक्स। ओके ओके अभी हम दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे विच इज इन आवर मेथड। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लॉग में क्या होगा, साइन एक्स आगे आ जाएगा जो पावर है वो, और लॉग कॉट एक्स। ओके अभी क्या करेंगे हम, ये कौन सा फॉर्म हुआ, साइन जीरो डेट इज जीरो, और लॉग लॉग कॉट एक्स कॉट जीरो डेट इज इंफिनिटी एंड लॉग इंफिनिटी डेट इज इंफिनिटी। सो ये कौन सा फॉर्म हुआ हमारा, जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म हुआ राइट। सो जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म है, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन को लाते थे हम, सो लॉग कॉट एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स को हम नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स दैट इज कोसेक एक्स राइट। ओके अभी ये कौन सा हुआ, ये भी ये इंफिनिटी हो जाएगा, और ये कोसेक 0 दैट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी वाला इंफिनिटी फॉर्म। सो अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल, ओके अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल देन क्या होगा, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लॉग कॉट एक्स क्या होगा, 1 अपॉन कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके एंड कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ से एक कोसेक एक्स और एक कोसेक एक्स कट हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस भी क्लियर हो जाएगा। ओके सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कोसेक एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ और, तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स राइट। कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉस अपॉन साइन राइट। सो अभी यहां से साइन एक्स और साइन एक्स कट हो जाएगा, सो क्या बचेगा हमारा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो साइन जीरो डेट इज जीरो एंड कॉस जीरो डेट इज 1, सो वी विल पुट द लिमिट्स, सो साइन जीरो अपॉन कॉस स्क्वायर जीरो सो डेट इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 1, सो डेट इज 0, एंड ये किसकी वैल्यू आई हमारी, लॉग एल की वैल्यू आई, तो लॉग एल इक्वल्स टू 0, सो एल इक्वल्स टू ई पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, सो एल इक्वल्स टू 1। सो लेट्स टेक आर थर्ड क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। और थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन
क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू कॉस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स. सो कॉस पाई बाई टू डेट इज जीरो. कॉस पाई बाई टू डेट इज जीरो एंड पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू डेट इज जीरो. तो हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, ये जीरो रेज टू जीरो वाला फॉर्म हुआ. अभी हम इसे सॉल्व करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे विच इज इक्वल्स टू एल. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू कॉस एक्स रेज टू पाई बाई टू माइनस एक्स. ओके, सो इसको अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड व्हाट विल अप्लाई, वी विल अप्लाई लॉग. सो लॉग एल इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू लॉग, इसका पावर जो है वो आगे आ जाएगा. सो पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स लॉग कॉस एक्स. ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये कौन सा फॉर्म आया हमारा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू डेट इज जीरो एंड लॉग कॉस पाई बाई टू डेट इज जीरो. तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आया. ओके, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हम क्या करते थे, एक चीज को हम डिनोमिनेटर में ला देते थे, एक फंक्शन को वी विल टेक आउट इन द डिनोमिनेटर. सो लॉग कॉस एक्स अपॉन, सॉरी, लॉग कॉस एक्स अपॉन वन अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स. ओके, सो पाई बाई टू माइनस एक्स. अभी हम चेक करेंगे ये कौन सा है. सो लॉग पाई बाई टू, तो ये क्यों, ये कौन सा हुआ, इन्फिनिटी. लॉग कॉस पाई बाई टू जीरो एंड जीरो डेट इज लॉग जीरो डेट इज इन्फिनिटी, राइट. सो ये इन्फिनिटी एंड ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो वन अपॉन जीरो डेट इज इन्फिनिटी. तो ये कौन सा फॉर्म हुआ हमारा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हुआ. सो अप्लाइंग व्हाट वी विल अप्लाई, अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल, अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल क्या करेंगे हम उसमें, विल अप्लाई डिफरेंशिएशन फॉर बोथ फंक्शंस. तो लॉग कॉस एक्स वन अपॉन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स. ओके, एंड इसका क्या होगा वन अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स. सो माइनस वन अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स उसका क्या होगा माइनस वन. पाई बाई टू माइनस एक्स का क्या होगा माइनस वन. ओके, अब क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा इसे. एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डेट इज माइनस टेन एक्स अपॉन माइनस, माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा. सो वन अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स विच इज उसका स्क्वायर. ओके, ओके, माइनस वन अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अभी जो ये पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर है वो हम ऊपर ले जाएंगे इसे. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर माइनस इसको टेन एक्स जो है वो तो यही का यही रहेगा, राइट. ओके, अब क्या करेंगे हम, ये टेन एक्स है उसको मैं वन अपॉन कॉट एक्स लिख सकती हूँ. यस, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और टेन एक्स को क्या लिखूंगी मैं, वन अपॉन कॉट एक्स. ओके, अभी हम ये चेक करेंगे. अगर मैं पाई बाई टू यहाँ पे पुट करूँ तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू डेट इज जीरो एंड यहाँ पे कॉट पाई बाई टू डेट इज जीरो. ओके, सो हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, जीरो बाई जीरो. अगेन वी विल अप्लाई एल ऑपिटल रूल एंड वी विल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ द फंक्शंस. तो माइनस ये जो है पावर वो हमारा आगे आ जाएगा. सो टू पाई बाई टू माइनस एक्स और माइनस इसका क्या होगा माइनस वन एंड कॉटेक्स का क्या होगा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स. ओके, सो ये जो माइनस माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू
ये जो ये प्लस हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स ये प्लस हो जाएगा और फिर माइनस जो है वो रहेगा, और कोसेक स्क्वायर को मैं ऊपर ले लूँ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके सो टू इंटू पाई बाई टू माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम यहाँ पे पुट करें लिमिट्स तो क्या हो रहा है हमारा जीरो हो रहा है, ये जीरो और ये भी जीरो। सो माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय टू। ओके सो ये क्या हो गया साइन पाई बाय टू, डेट इज साइन पाई बाय टू इज साइन 90, साइन 90 इज 1 एंड ये पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू डेट इज 0। सो आर अल्टीमेट आंसर इज 0। सो लॉग एल इक्वल्स टू 0, सो एल इक्वल्स टू ई पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। सो आर फाइनल आंसर इज 1। सो हियर आर लिमिट्स चैप्टर इज ओवर विद दिस। होप यू हैव क्लियर इट्स फंडास विच आई हैव टॉट यू। टाइप वन इट्स बेसिकली दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर एंड टाइप फाइव। यू नीड टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दिस टाइप्स एंड नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बाय एल ऑप्टल रूल, देन 0 × ∞ बाय टेकिंग द एफ ऑफ एक्स अपॉन 1/g(x) एंड दिस ऑल द फंक्शंस विच वी हैव कवर्ड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 1 raised to infinity, 0 raised to 0 एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू 0, विच एवर वी हैव लर्न टिल डेट। ओके सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। इफ यू एनी डाउट्स यू कैन री वॉच द वीडियोज फॉर योर क्लियरेंस। थैंक यू, वी विल स्टार्ट एंड नेक्स्ट चैप्टर सून।